अच्छा फिर है हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेट फंक्शन एज अ पर्सनल ऑर्गेनाइजर इज टू फेसिलिटेट द रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्टन टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक है ये पर्सनल टाइप के आपके इंफॉर्मेशन मैनेजर होते हैं जिनके आप इंस्टॉल कर लेते हैं फिर यहाँ पे क्या है कि आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कोई भी आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है कोई भी आ, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप कहते हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट है रिमाइंड करने के लिए कुछ रिमाइंडर लगा लेते हैं और उसके अलावा इस तरह के मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं जो आपको फेसिलिटेट करता है ठीक है आपको साथ साथ बताता रहता है कि इस टाइम पे आपने क्या करना है क्या नहीं करना कितना टाइम किसके लिए है या फिर इस टाइम पे आपकी मीटिंग है प्रॉपर आपको जो है फैसिलिटेट करता है अगर आपने प्रॉपर उसको जो है वो आ, सेट किया हुआ है उसके अलावा बिजनेस सॉफ्टवेयर है आपके फोन के लिए ठीक है ये सारे सॉफ्टवेयर आगे हमने पढ़ने इसलिए जस्ट इन पर इंटरव्यू दे रही हूँ बिजनेस सॉफ्टवेयर उसके अलावा और बहुत सारे हैं उनको हमने देखना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट है जो आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है ठीक है कितना बजट लग रहा है कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं ठीक है वो सारा हो जाता है उसके अलावा अकाउंटिंग है अकाउंटिंग के अंदर आपने कोई अपने अकाउंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन रखनी है वो यूज़ हो जाती है या फिर अकाउंट्स जो बैंक बैंक वगैरह है वो अपनी सारे मेंटेन करते हैं अपने सारी ब्रांचेस वगैरह को उसके लिए यूज़ हो जाते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है ठीक है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो जाते हैं और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस जो हैं जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है तो ये सारे के सारे हमारे बिज़नेस सॉफ्टवेयर थे जिनको जो जिन है हमने पढ़ना है आगे ठीक है तो उनमें से सबसे पहला जो था हमारा वो था हमारा वर्ड प्रोसेस अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है आप सब लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं पैराग्राफ टाइप करते हैं राइ, राइट अप करते हैं ठीक है थीके? तो वो किस पे करते हैं कोई वर्ड प्रोसेसर होता है ना जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड जो है यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो वो यही हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर हम टाइप कर लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड मैनुपलेट डॉक्यूमेंट्स ठीक है क्या ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करें और उनको मैनुपलेट भी कर लें ठीक है उसके अंदर जो जैसी मर्जी चेंजिंग चाहिए हम उसको कर सकते हैं क्लिप आर्ट क्या होता है पता है आप लोगों को क्लिप आर्ट क्या होता है क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग फोटोज एंड अदर इजेज ठीक है हमारे कंप्यूटर uh, या फिर लैपटॉप्स के अंदर एक गैलरी सी होती है क्लिप आर्ट के नाम से उसके अंदर क्या होती है अः uh, अक्सर हमारे पास जो है फोटोज वगैरह पड़ी होती है ड्राॅंग पड़े, पड़े होते हैं इमेजेस पड़े होते हैं कुछ जो है साउंड क्लिप्स वगैरह जो है वो भी पड़े हुए होते हैं ठीक है तो डिफॉल्ट में पड़े हुए होते हैं उसके अलावा क्लिप आर्ट का एक जो है टैब हमारे वर्ड के अंदर भी होता है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर भी होता है उसके अंदर क्या है आप कोई ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं आपने कोई सिंबल्स वगैरह ऐड करने हैं कोई ड्राइंग करनी है ठीक है तो वो वहां से हम लोग जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं तो ये आ, कुछ फीचर्स हैं हमारे पास वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से जो हैं ये टास्क परफॉर्म करता है वर्ड इसके अलावा वर्ड तो हमें प्रॉपर यूज ही नहीं करना होता मतलब वर्ड के अंदर इतने फीचर्स होते हैं जिनमें से काफी सारे हमें पता ही नहीं होता तो उनमें से कुछ जो मेन है वो यहाँ पे बताए हुए हैं ऑटो करेक्ट है ऑटो करेक्ट क्या काम करता है कि जब हम कुछ लिखते हैं अगर वो हमसे सही नहीं लिखा गया मिस्टेक हो गया कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है तो वो क्या है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है ठीक है ऑटो फॉर्मेट है अगर हमने कोई फॉर्मेट ठीक नहीं किया कोई सेमी कॉलन या कॉमा वगैरह सही जगह पे नहीं लगाया तो ये वर्ड क्या उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है ठीक है कोलेबोरेशन है उसके अलावा ठीक है ये ये भी इसके अंदर जो है वो यूज होती है कॉलम्स हैं वो भी यूज होते हैं इस तरह के ये डिफरेंट फीचर है इनके भी मेरे ख्याल में आगे डिटेल है वहाँ पे फिर इनको देख लेते हैं ठीक है, है यहाँ पे इनको गो थ्रू से कर लेते हैं ग्रामर चेकिंग है तो वो आपकी ग्रामर चेक कर लेता है कोई यहाँ पे अः कोई ग्राम ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है आपके लिखते हुए इंक इनपुट है तो इंक इनपुट जो है ये यूज होती है वैसे तो हम क्या है कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं ठीक है जैसे ये नीचे लिखा हुआ है या फिर पे, पे कुछ भी है, हम टाइप करते हैं लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर टाइप कर, किया हुआ ना करें और हम इसके ऊपर लिख दें तो हम इसका इंक इनपुट जो है उसको इनेबल कर देते हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं तो फिर पेन होता है अगर हमारा आ, स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है ठीक है मतलब लैपटॉप्स के अक्सर स्क्रीन जो है वो टच नहीं होती अगर टच वाली है टच एंड टाइप वाली है तो फिर उसके ऊपर हम क्या है पेन के थ्रू जो है वो राइट करते हैं और है तो है मैक्रोज बन जाते, हैं। आ, आ, बन जाते आ, वर्ड के अंदर हम बना लेते हैं जब मल्टीपल एक्शन हम लोगों ने परफॉर्म बार बार करने हो तो हम उन मल्टीपल एक्शन का एक ग्रुप बना लेते हैं उनका एक मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं तो फिर जहाँ पे वो सारे एक्शन हमें आ, चाहिए होते हैं हम जस्ट उस बटन को क्लिक करते हैं और सारे एक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं सपोज हम कहते हैं कि इस पैराग्राफ की राइटिंग आ, का फॉन्ट इतना फॉन्ट साइज इतना फॉन्ट स्टाइल जो है वो इतना हो ठीक है और ये बोल्ड हुआ या टैलिक हुआ हो, इसके साथ बुलेट लगी हो ये वो लगा हो तो वो क्या है? हम मैक्रोस जनरेट कर लेते हैं उसके अलावा मेल मर्जिंग है मेल्स वगैरह यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं मेल भी कर लेते हैं लेआउट्स वगैरह जो है उनको रीडिंग uh, लेआउट है आप जो है अपनी फाइल्स को डिफरेंट लेआउट में रीड कर सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पे जो है एक वेब लेआउट होती है उसके अलावा और भी तीन चार किस्म की होती है कि आप पेज को किस स्टाइल में जो है वो रीड करना चाहते हैं रिसर्च के लिए यूज करते हैं सर्च और रिप्लेस करते हैं कोई वर्ड जो है उसको आपने वर्ड के अंदर जो है सर्च करना है कि ये लफ्ज़ कहाँ पे लिखा हुआ है और उसको किसी दूसरे लफ्ज के साथ रिप्लेस करना है वो भी हो जाता है स्मार्ट टैक्स जो है वो यूज होते हैं यहाँ पे ये मैं आपको बताती हूँ टेबल्स हम बना लेते हैं टेम्पलेट्स बना लेते हैं स क्या है यहाँ पे ये सिनोनिम और एंटोनिम बताता है, वर्ड है आ, उससे मिलता जुलता लाइटिम कौन सा उसका एंटोनिम उसका, उसका जो है ऑपोजिट वर्ड कौन सा बनता है ये भी हमारे वर्ड के अंदर बताया जाता है ठीक है ये मेरे ख्याल में पावर पॉइंट में भी है यहाँ पे देख लेते हैं जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है एक्टिवेट तो देखिए तो इसका सिनोनिम यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है एक्टिवेट करना ट्रिगर करना स्टार्ट करना सिमुलेट करना ठीक है तो इस तरह वहां पे भी जो है वो बताया जाता है ट्रैकिंग चेंजेस कौन कौन से चेंज है आपने किए उनको साथ साथ ट्रैक करके रखता है कि यहाँ यहाँ पे चेंज आया है वॉइस रिकोगशन आपने वॉइस को रिकोगनाइज करना है कि चार पांच यूजर में से ये वाली वॉइस किसकी है दूसरी वॉइस किसकी है ये भी काम है वेब पेज डेवलपमेंट वगैरह ये भी आप सारी वर्ड के ऊपर कर सकते हैं तो वर्ड के इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको जो है हम यूज कर सकते हैं ठीक है वर्ड ऊपर डॉक्यूमेंट्स को डेवलप किस तरह से करते हैं सबसे पहले क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इसके अंदर क्या हमने कोई टेक्स्ट और नंबर वगैरह एंटर कर दिया कोई इमेज लगा दिया कोई अदर टास्क परफॉर्म कर दिया ठीक है जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वो हमने कर दिया उसके बाद हम क्या एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एडिट के अंदर क्या उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर कोई चीज और इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट ये वो सारे काम हो जाते हैं ठीक है ये चीजें आपको पता है और फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट उसके फॉर्मेट मीन उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं ठीक है उसका स्टाइल जो चेंज कर उसका फोन का साइज चेंज कर सकते हैं फोन साइज और स्टाइल चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इमेज लगा सकते हैं वर्ड रैप लगा सकते हैं ठीक है वाटर मार्क लगा सकते हैं सारी चीजें लगा सकते हैं अच्छा उसके बाद है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर सॉरी बिजनेस सॉफ्टवेयर ही पहले नेक्स्ट है, तो है हमारी एक्सेल की जैसे शीट है वहां पे हम किस तरह से काम करते हैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर काम करते हैं ठीक है थीके? और उन रोज और कॉलम के अंदर आ, हम जो है फार्मूलाज लगाते हैं और उसके थ्रू कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है थीके? अब हमारे पास कुछ जो है Uh, वही सप्रेट शीट एक्सेल शीट के जो है यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं ठीक है ये फंक्शन है कि किस किस तरह से ये फंक्शन काम करते हैं कैलकुलेट करते हैं आप लोगों की ये असाइनमेंट है